नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। नालासोपारा आंचल में 41 बिल्डिंग का जो मामला जिसमें हाईलाइट है, उस मामले को लेकर आज मतलब आयुक्त से बात करने अग्रसेना के उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल आए हुए हैं। इनके साथ पूरा जो वहां रहने वाले लोग और अग्रसेना के लोग, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहां आए हुए हैं। बात करते सीधा जाते समय क्या विषय रहेगा, क्या विषय को लेकर आए आप यहाँ पर? जो लोगों के सब्जेक्ट है सब, गरीब लोगों के, यहाँ के वंचितों के, इनके, यहाँ के जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के सब सब्जेक्ट लेके आया हूँ। सबसे पहला सब्जेक्ट है 42 बिल्डिंग का। उसके पास मेरी जो महिला है जो हर दिन कमाती खाती है, वो मेरी 1000-2000 महिला है जो यहाँ की 50-60 साल के सब्जी बेचती है, उनका काम है। पानी का प्रॉब्लम है, मेरे एवरसेन रुस्तम जी का जो पानी आया हुआ है उनको नहीं दे रहे, तो 8 तारीख के पहले पानी देने का वो विषय है। और ऐसे छोटे मोटे सब विषय लेके आज हम इतनी भारी मात्रा में लोग आज आए हुए कि जहाँ वहाँ जो बैठा है कमिश्नर उसको जाग जाए। तो अभी यहाँ महानगर पालिका मुख्यालय में दाखिल होने के पहले अग्रसेना उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल ने क्या कुछ कहा, आपने सुना? इस खबर पर हम बने हैं और भी विस्तृत तौर पर हम रिपोर्ट चलाएंगे। अभी ये लाइव स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। आज के लिए भी इतना ही। वसई विरार से यूसुफ अली। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।